हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, क्योंकि आज तो नहीं, एक्चुअली मैंने 2-3 दिन हो गए इस वीडियो को शूट किए हुए, बट हम इसका इंट्रो शूट करना भूल गए थे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैंने जहाँ पे कैमरा लगाया था वहां पे, मतलब कैमरा मैंने लगाया और वो उसकी हो गई बैटरी लो, ठीक है। और हमको वो सारा प्रिपेयर करने में, क्योंकि मैं कैमरा ऑन करके चली गई थी। लेट मी एक्सप्लेन, इन्होंने मेरे को पागल बनाया कि हम जा रहे हैं कटिंग कराने मधु भारद्वाज जी ने, जो कि हमारे हम सबके प्रिय हैं और हमारे गुड, क्या नाम है इसका, नाम भूल गई, डुगू मैं तेरा, डुगू ने, इन्होंने बोला, इन्हों मेरे बच्चों, डुगू ने बोला कि भाई हम हेयर कट कराने जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जाओ, दोनों जाओ, मेरे को मत लेके जाना। कहते ठीक है। तो मैं, उसके बाद मेरे को इंस्ट्रक्शंस आई कि चाय बनाओ, तो मैं चाय बनाने लगी। उसके बाद अचानक मुझे वॉशरूम जाना पड़ गया, यू नो, इमरजेंसी में, तो मैं चली गई वॉशरूम। इनको मिल गया बहाना कि क्यों ना कोई प्रैंक किया जाए, मेरे को नहीं पता उसके पीछे क्या हो रहा है। नहीं, पहले से ही प्लान कर लिया था हमने प्रैंक का, वो तो हम तुझे जान पूछ के करते, कैमरा कहाँ पे सेट कर रहे हैं। इतने गंदे ये लोग, इन्होंने कैमरा सेट किया वहां पे सोफे पे, उसके ऊपर सारी चीजें रख दी, अंदर से उठाकर उनके टैडी वैडी घुसा दिए, ताकि मेरे को आइडिया भी नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी, मैं तो अंदर बैठी हुई थी। मैंने दो बजते बस इनको फोन किया, मैंने कहा 2 बज गए, ये हमेशा लिंक शेयर करते होते हैं इंस्टा पे, मैं नहीं करती, मैं तो रीशेयर कर देती हूँ। तो इन्होंने, मैंने कहा फोन करती हूँ, जैसे मैंने फोन किया मधु ने फोन उठाया एंड वो वहां से बोलते हैं कि यशु, घबराए हुए बहुत ज्यादा, यशु मैं पायल का एक्सीडेंट हो गया, मेरा भी एक्सीडेंट हो गया, पायल की बहुत ज्यादा लगी, अभी मैं करता हूँ, तेरे को रुक जाओ। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं एटर्नल के आयुर्वेदा लेमन एंड हनी फेस वॉश एंड एटर्नल के आयुर्वेदा स्किन लाइटनिंग ऑयल के बारे में। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि स्किन, अपनी स्किन की केयर करो, बहुत ज्यादा डल होती जा रही है। फाइनली मैंने मंगा लिया है फेस वॉश एटर्नल का और स्किन लाइटनिंग ऑयल। इन दोनों में लेमन एंड हनी प्लस एलोवेरा, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है। और प्लस इसमें है टर्मरिक, इसको यूज करना ही बहुत इजी है। नॉर्मली आपको स्किन लाइटनिंग ऑयल के 4 से 5 ड्रॉप अपने हाथ पे लेने हैं और उसको सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे अप्लाई करना है और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ना है, जिससे वो आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। 10 मिनट के बाद आपको यूज करना है फेस वॉश। फेस वॉश आपको सेम वैसे यूज करना है मसाज की तरह, जिससे कि वो आपकी जो भी आपकी डस्ट है अंदर की वो बाहर निकाल सके। और उसके बाद आपको फेस वॉश कर लेना है और आपको तुरंत ही असर नजर आने लगेगा कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ब्राइटन और ग्लो करने लगेगी। और मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मैं इसको 2-3 दिन से यूज कर रही हूँ। Amazon और Flipkart पे ये अवेलेबल है, तो जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके बाय करो। और प्लीज मुझे बताना कमेंट करके किस किस ने खरीदा ये प्रोडक्ट और किस किस का फेस ग्लो हुआ है। गाइस, सिंपली इसको बाय करने के लिए आपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाना है, उस पर क्लिक करना है एंड ये आपको डायरेक्ट Amazon की वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ से आपने करना है बाय नाउ, डॉक्टर के पास जा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, मतलब मेरे को, और मैं कुछ ना तो बोल पाई, मतलब आप ऐसे ब्लैंक हो जाते हो ना एक सेकंड में, ना मैं कुछ बोल पा रहा, मुझे कुछ समझ आ रहा है, और उन्होंने फोन कट करके और फोन बंद, मतलब बंद नहीं, ये लोग नीचे बेसमेंट में थे तो ऑटोमेटिकली नेटवर्क चला गया और दोनों के चले गए। मैं टेंशन में, मैं किधर जाऊँ, मेरे को पता नहीं है, आइडिया नहीं है कुछ, मैं किधर जाना है। कंटिन्यू, नहीं नहीं तू ही कंटिन्यू कर दे, तूने बताया तो बताओ ना, अब इसके बाद का बताओ ना। तो उसके बाद हम लोग ऐसे नीचे पट्टी वट्टी बांध रहे थे, जो आप वीडियो में भी देख लोगे, और फिर हम लोग ऊपर गए। तो मैंने जो यहाँ पे मैंने कैमरा सेट करके गई थी ना टैडीज के बीच में, वो मैं पहले से ही सेट करके चले गई, तो हमको निकले हुए 20-25 मिनट हो गए थे। तो पहले फिर मुझे बाहर जाके याद आया कि यार 30 मिनट से जो ज्यादा का रिकॉर्ड ही नहीं करता कैमरा। फिर हमने जल्दी जल्दी पट्टियाँ बांधी, फिर मैं ऊपर गई, फिर हमने सारा, मतलब वो सेम सारा रिएक्शन लिया। लेकिन बाद में जब मैंने कैमरा देखा तो पता चला कि उसमें बैटरी ही लो गई थी, उसमें बैटरी ही नहीं थी। तो फिर बहुत दुख हुआ कि इसका जो रिएक्शन था मेन वो वाला, मतलब नहीं निकल पाया। बट मैंने ऐसे रिएक्ट किया कि मैं इससे, इसके सामने हंस रही थी, जिससे ये गुस्सा ना हो कि फुड़वा के आ गए हो तुम, ये है वो है। तो वो मैंने फिर इस वाले फोन में रिकॉर्ड किया ऐसे ऐसे करके, मतलब ऐसे यू नो हंस के, थोड़ा सा नॉर्मल होके कि हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं लगी, ये है वो है। तो वो आप ये ऐसे रिएक्ट करे, ज्यादा नहीं लगी, और हमारे भाई साहब का निकल के आ रहा है कि यशु यशु जल्दी कर बेटा, हल्दी वाला दूध लिया जा, जल्दी कर, डॉक्टर ने बोला है हल्दी वाला दूध पीना है। और ये बंदा कभी दूध की तरफ देखता भी नहीं है, हल्दी वाला दूध पी भी लिया। मेरे को तो होना था ना इंस्टेंट बिलीव,
उसके बाद वो कहते हैं कि वो डॉक्टर ने बोला है इसके नी का एक्सरे भी कराना है, मतलब वो बोल रहा है कि पता नहीं है अभी ज्यादा लगी होगी। फिर उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे बड़ा डीप कट है, यहाँ पे ना फोरहेड पे बहुत डीप कट है इसके, और वो तो स्टिचेस के लिए बोल रहे थे है, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा यार पता नहीं क्या लगी है, कितनी लगी है। अब सिचुएशन ऐसी है कि स्टार्टिंग मेरे को लग रहा था कि इनको ऐसे मतलब ये मजाक कर रहे होंगे, बट इन्होंने इतना ज्यादा मतलब मैं क्या बोलूं, गंदा था इनका ना, कि कपड़े भी गंदे करके लाए हैं कि मेरे को बिलीव हो कि हाँ भाई नीचे गिरे हैं, गिर के चोट लगी है, दोनों के कपड़े गंदे, मैं देख रही हूँ दोनों के कपड़े गंदे पड़े हैं, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे को ट्रस्ट करवाने में कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है जो हम तेरे को बिलीव करवाना चाहते हैं, वो तो बिलीव कर। और मेरा रोना भी काफी देर बाद निकल के आया, इसीलिए मैं पहले तो मैं थोड़ा सा वही करने में लगी हुई थी, ये खोल के दिखाऊं, पट्टी खोल के दिखाऊं, मतलब मैंने कहा यार ये क्या है। गाइस यहाँ पे चल रहा है एकदम जोरों शोरों से तैयारी चल रही है प्रैंक की। तो गाइस हम लोग पूरे रेडी हैं एकदम प्रैंक करने के लिए, और मैं आपको मधु को भी दिखा देती हूँ। ऐसे चलना पड़ेगा लड़के लंगड़ा लंगड़ा के, ये देखो मिट्टी लगनी चाहिए पैरों पे। आगे भी तो लगाओ, आगे आगे भी तो लगाओ मिट्टी, आगे भी तो लगाओ, लेट जाओ आगे लेट जाओ, नहीं उधर हो जाएगा के उधर से लगे। साफ पता चल रहा हाथ मार रहे साफ पता चल रहा हाथ मार रहे रुक जाओ बस चलो चलो। गाइस मैं आपको बता दूं कि हम लोग, मैं और मधु गए थे अभी नीचे, और ये देख लो ये करवा के आए हैं हम लोग, और एक इधर चोट लगी है मेरे, और मेरी बेटी रो रही है, मेरी राजकुमारी रो मत, रो मत मेरा बच्चा, रो क्यों रहा है, थोड़ी सी तो लगी है, हैं रो क्यों रही है, थोड़ी सी लगी है बिल्कुल, देख तो सही इधर हैं, थोड़ी सी लगी है बाबू, खोल के दिखाऊं, ले मैं खोल के दिखाऊं, रो क्यों पागली हो गया बिल्कुल, हर चीज पे मजाक होती है क्या, मैं खोल के दिखाऊं आप खोल के दिखा दो, मेरे ये वाली खोल के दिखा दे इसको कितनी लगी है। यार मत करो ना, क्यों छेड़खानियां कर रही हो तुम दोनों, तेरे को यकीन नहीं हो रहा ना, तेरे को दिखा क्यों नहीं हो रहा, मेरे को यकीन नहीं, पता है पुड़वा के आए हो तुम दोनों, और स्टाइल मारो, इसको स्कूटी चलानी आती नहीं है, कार चलाते ही बंदे इतने स्टाइल मार रहे हैं, पता है मुझे, मेरे को गॉगल्स नहीं मिल रहे थे मेरे पास, मेरे को गॉगल्स के बिना, और ये तो जो गॉगल्स तो धूल मिट्टी से अपने पिछवाड़े पे लगाई है पूरी की पूरी। चुप 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 और सबसे अच्छी बात इनका सीधा आता है ये, अभी वहाँ पे जाके नमस्ते नहीं कर पाएंगे अपने गेस्ट को, नमस्कार लग गई तो लग गई यार, अब इसमें रोना क्या है ना भाई, अब सात दिन रोते थोड़ी रहेंगे कि भाई यहाँ लग गई हमारे, ये हो गया वो हो गया, वो तो बाद में पता चलेगा रात को जब दर्द होगा। वैसे मैं इसलिए भी हंस रही हूँ ना जिससे ये मेरे को डांटे ना, इनकी तो डांट ठीक है, मेरे को तो अपनी घबराहट हो मेरा तो बीपी लो हो रहा है। चलो भाई हम थोड़ा सा ना हल्दी वाला दूध पी लेते हैं, फिर आपसे चलो गाइस पी के मिलते हैं। गाइस बहुत मजा आ रहा है, आंख रांड करवा के आई इधर देख ले, रोमना से मुंह बना के बैठी है, मैं भी करवा लेती हूँ एक्सीडेंट, मेरे को भी शूट कर लेना फिर, यार क्या दिक्कत है, ऐसे ऐसे कहते हैं वो, तो हमें तो लग गई ना,
स्टाइल मारते थे कौन क्या था, हवा में उड़ते हुए जब मैं कहती चाय पी के जाओ, चाय बनाइए, फिर फोन आ रहा है जूस का, चलेगी उठ के करती करती अपन क्यों हाथ क्यों, चल भाग के दिखा एक मिनट, जोर पड़ गया तो क्यों परेशान कर रहे हो, फ्रेम में नहीं आ रहे ना जैसे की तरह, हाँ फ्रेम में नहीं आ रहे, हाँ गाइस ये देखो, गाइस ये देखो मेरा हुआ है एक्सीडेंट, और एक मिनट जरा पंखा बंद कर दूं, रुको मत करो यार ऐसे में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ओह तो गाइस ये देख लो मधु में एक्सीडेंट हुआ था, और यहाँ पे यशु बहुत बुरी इस बात के ऊपर, तो अब मैं इसको विश्वास दिलाने के लिए कि मेरे को ज्यादा नहीं लगी है, तो मैं इसको अब दिखाऊंगी। और ये देखो, ये देखो मार के भी दिखाऊंगी। सामने ओ माय गॉड अभी हम इसको है ना खोलेंगे नहीं, अभी हम साक्षी का वेट करेंगे, एक मेरे को फोन आ रहा है गाइस, क्या नहीं है ये आदमी, हमारी तरह से भी कपड़े और गंदे कर रखे ताकि कैमरा तो देख लू मैं जरा हटो, वैसे तो वीडियो बंद हो गई होगी क्योंकि इसके अंदर ना 30 मिनट्स का ही होता है, हो चेंज द बैटरी पैक, बस बैटरी चली गई, पता नहीं कहाँ तक शूट हुआ है गाइस, अब हुआ भी है कि नहीं पता नहीं, हमारी मेहनत पे पानी ना फिर जाए कहीं, नहीं नहीं हुआ होगा थोड़ा बहुत तो, गाइस पहले जरा मैं फोन की देख लूँ कितनी बैटरी बची, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अच्छा कैसी थी हमारी एक्टिंग तो बता दे कैसी थी दोनों की, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये जमा अपनी वो तो बंद कर दी है रिकॉर्डिंग, एक्चुअली ऑडियो रिकॉर्ड हो रही थी ना बेबी उसमें, डन करना होता है ना फिर। सो गाइज मैंने कैमरे से रिकॉर्ड किया था, बट मेरे कैमरे की बैटरी हो चुकी थी खत्म, क्योंकि ये इंस्टेंट हम लोगों ने दोनों ने एकदम से प्लान बनाया था कि यशु पे प्रैंक करते हैं, तो कैमरा बहुत दिन से बंद पड़ा था, तो मुझे नहीं पता था उसमें कितनी बैटरी है, बस मैं लगा के कैमरा और मैं छोड़ गई थी, अब पता नहीं उसमें कितना रिकॉर्ड हुआ है कितना रिकॉर्ड नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं पता, यशु का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए हमारी। ये देखना हमने हल्दी वाला दूध भी पिया चाय छोड़ के। मैंने सोचा मैंने कहा ऐसे तो नहीं पीती ये हल्दी वाला दूध, ये जुड़ती है दूध पे तो बहुत ज्यादा। एक्टिंग कैसी थी बता, यहाँ इतनी घटिया एक्टिंग थी सच में, तभी तो तू पकड़ नहीं पाई, अगर घटिया थी तो है बता ना, ये दोबारा ना फोड़ दो तुम्हें असलियत में, आगे असली में भी लगेंगे तो तुम देख लो इस आदमी मेरी झूठी कसम तक खाई है, मैंने ऐसे कर लिया था ऐसे करने से क्या होता है, आंटी लगाओ चाहे अंकल लगाओ कसम तुम खाई थी ना, मैंने आंटी लगा ली थी, मैंने नहीं खाई, मैंने बस आपने तो वैसे साथ तो दिया ही है, पर इसका फोन नॉट रिचेबल कर लिया जी, मैं मैसेज पे फोन नॉट रिचेबल कर रही हूँ, फोन नॉट रिचेबल इसलिए हुआ ना हम लोग नीचे पट्टी बांध रहे थे, वहाँ पट्टी हम सीढ़ियों पे बैठ के सबसे नीचे पार्किंग में, मेरे को पता समा पा नहीं सकते ना, राम कैसे गए गुजरे भगवान यार, लेकिन मजा आ गया कसम से, मजा एकदम फर्स्ट क्लास, मजा आ गया एकदम एकदम फर्स्ट क्लास होती ना चाहिए एसी ट्रेन की, उसके ज्यादा कचाकच मजा आ गया। तो गाइज अभी हमें वेट है साक्षी का, अब हमें वेट है साक्षी का, वो रिएक्शन हम आपको दिखा नहीं सकते, बट वो आने वाली है, तो उसके लिए भी हमें तैयार हो, 10 मिनट रह गए 3 बजने में, तो वो आने वाली है, तो फिलहाल इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना, आपको पता ही है क्या करना है, एंड कुछ कहना चाहेंगे आप, अगली बार मैं फोड़ूंगी इसलिए इतने माथा।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय। तो ये था प्रैंक वीडियो हमारा, गेस मत करना दोबारा करने के लिए ऐसा ऐसा आदमी को। नेक्स्ट प्रैंक क्या करना है सबको चुप रहे, नेक्स्ट प्रैंक क्या करना है वो बता देना, तो जैसे हम जल्दी मधुवर में प्लान करेंगे कि नेक्स्ट क्या प्रैंक करना है। तो फिलहाल आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। और गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके बाय कर लो अटनल आयुर्वेदा का स्किन लाइटनिंग ऑयल और फेस वॉश।